हेलो, कैसी है अपनी जनता? उम्मीद करता हूँ अच्छी होगी। सो भाई लोग, अपन आज करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात। हाँ, रोज भी इम्पोर्टेंट टॉपिक ही होता है, बट आज कुछ अलग हट के बात करेंगे और मेनली इसमें दो चीज़ कवर करेंगे। एक तो कि टीम इलीट एशिया रैंकिंग्स में टॉप पर है, तो उसका मतलब टीम इलीट आराम से एशिया चैंपियनशिप जीत सकती है या नहीं, एंड इस रैंकिंग का एक्चुअल मतलब क्या है। सेकेंड, इस चीज़ का टीम पे कैसे इफेक्ट पड़ता है और वो इफेक्ट कैसे पड़ना शुरू हो गया है। बट वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कर दो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, एंड इसके अलावा कमेंट में बताओ कि फर्स्ट FFIC किसने जीता था। देखते हैं कब से तुम ई स्पोर्ट्स को फॉलो कर रहे हो। अब गाइज, मैं आराम से वीडियो देख रहा था और मैंने काफी वीडियोस में नोटिस किया, एंड इवन फ्री फायर न्यूज चैनल्स भी एक टॉपिक को एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं कि टीम इलीट है एशिया की नंबर वन टीम और हजारों व्यूज छाप रहे हैं, तो मैंने सोचा हम भी छापेंगे। जोक्स अपार्ट, इस रैंकिंग को हम लोग कैसे देख रहे हैं उस नजरिए पे बात करने आए हैं। अब एक पार्ट है ऑडियंस का जो टीम इलीट के डाई हार्ड फैन है, जो कि इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरा पार्ट है ऑडियंस का जो TG फैंस हैं, जो इस तरह से देख रहे हैं कि हाँ हाँ होंगे टॉप पे, हम भी 7th पे कवर कर लेंगे। एक पार्ट है ई स्पोर्ट्स फैन का, जो नॉर्मली हैप्पी है कि हाँ चलो इंडिया का ई स्पोर्ट्स में कुछ नाम तो हो रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया का नाम इंडिया में ही हो रहा है, वर्ल्ड में नहीं फैल रहा। बेसिकली जब किसी टीम की रैंकिंग इम्प्रूव होती है तो उसके दो एडवांटेजेस हैं। एक तो उनमें कॉन्फिडेंस आता है देख के कि हाँ हम टॉप पे हैं। सेकंड, दूसरी टीम्स के मन में रहता है कि हाँ ये इंडियन टीम है टॉप पे, तो फाइट लेते हुए उन पे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहेगा। बट इस केस में सिचुएशन डिफरेंट है। ये रैंकिंग ई स्पोर्ट जैन पब्लिश करता है, जो कि मेनली एक इंडियन वेबसाइट है और ट्रैफिक भी इंडियन है। प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट देख लो। तो ये रैंकिंग और कंट्रीज का कोई और नहीं देख रहा, ना ही उन्हें कोई मतलब है। तो एशिया चैंपियनशिप में किसी इंटरनेशनल टीम पे साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं होगा, वो नॉर्मल माइंडसेट के साथ आएंगी, तो हमें ये तो फायदा नहीं मिलेगा। सेकंड, हम सोचे चलो कोई बात नहीं, इलीट को कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो ट्रॉफी घर लेके आएंगे। बट गाइस, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ फर्क है। जैसे कॉन्फिडेंस आपकी स्ट्रेंथ दर्शाता है और ओवर कॉन्फिडेंस आपकी वीकनेस। टीम इलीट को मैं हमेशा से एक कॉन्फिडेंट टीम देखना चाहता था, बट जब ये लोग FFCO में चैंपियन नहीं बन पाए तो मैंने पहाड़ी को देखा था थोड़ा लो फील करते हुए, पछताते हुए कि हाँ हम नहीं जीत पा रहे। तो बेसिकली जब से लेके FFIC तक इन लोगों ने काफी कॉन्फिडेंस गेन किया था, जिसकी वजह से हमें टीम इलीट चैंपियन बनती हुई भी दिखी। बट उस जीत के बाद और इस रैंकिंग के बाद टीम इलीट का वो कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में बदलता नजर आ रहा है। दूसरे सोचते हैं कि आप नंबर वन हो, इट्स गुड फॉर यू, बट जब आप ही सोच के बैठो यू आर नंबर वन, तो दिक्कत होती है। फिर शायद आप उस ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी परफॉर्मेंस को सस्टेन करके ना रख पाओ। जैसे अभी मैं वीडियो देख रहा था कि जोंटी भाई बोल रहे हैं कि टीम इलीट नंबर वन है और कोई 6th प्लेयर आएगा तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, ऐसे ही नहीं ले सकते। अब इस स्टेटमेंट में निगेटिव तो कुछ भी नहीं है, बट दिस शोज टीम किस माइंडसेट के साथ कैरी फॉरवर्ड कर रही है, और इस माइंडसेट के साथ बड़े स्टेजेस पे गलती होने के चांसेस होते हैं। काफी टीम्स रीजनल चैंपियनशिप जीतती हैं, बट दैट डजंट मीन कि वो बेस्ट टीम है। जो भी लोग टीम इलीट के फैन हैं वो हल्ला सा काट रहे हैं कि हाँ टीम इलीट नंबर वन, तो ये एनर्जी आपसे डायरेक्टली प्लेयर्स में भी ट्रांसफर हो रही है कि हाँ वी आर नंबर वन। जब सोच लेते हो कि यू आर नंबर वन, तो आप अपग्रेड नहीं कर पाते, आप अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट हो जाते हो, आप ग्राइंड नहीं करते, और अगर आप आज नंबर वन हो भी तो प्रैक्टिस और ग्राइंड की वजह से ही, और आप ये सोच के आगे के टूर्नामेंट्स की प्रैक्टिस उस तरह से नहीं करोगे तो हम जीतेंगे कैसे, वर्ल्ड स्टेज की ट्रॉफी घर कैसे लाएंगे। जब FFIC की ग्रुप स्टेजेस में टीम इलीट डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं हो पाई थी, तो मैंने उस वीडियो में बोला था कि अब इलीट के जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, बिकॉज वो ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां से उनकी प्रैक्टिस करने की भूख और बढ़ गई थी, एंड हमने देखा कैसे उस प्रैक्टिस ने उन्हें चैंपियन बनाया। जितने भी लोग यहाँ आज ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनने की चाह रखते हैं, उन्हें समझना होगा जीतने में आपके माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल होता है, आप चाहे किसी भी फील्ड में हो। इसलिए इलीट को सपोर्ट करना है तो #दिल से इलीट
या फिर हैशटैग इलीट फॉर अ विन लगाओ, बट नंबर वन किसी भी प्लेयर की चैट में स्पैम करना बंद करो ताकि वो लोग प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान दें। अब यहाँ तक हमने बात की रैंकिंग के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स की, अब बात करते हैं एक्यूरेसी की और उसकी कुछ वैल्यू है भी या नहीं। तो ये रैंकिंग दी जाती है हर रीजन को डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग। सो डिफिकल्टी मेजर करने के लिए हमारे पास कोई सेंसर नहीं है, तो ई स्पोर्ट जैन अपने अकॉर्डिंग ही डिसाइड कर लेता है। इसके अलावा ये रैंकिंग एशिया की तो है, बट रियलिटी ये है कि जो जो टीम है एशिया में उन सब ने एलीट के अगेंस्ट मैच ही नहीं खेले। पाकिस्तान के साथ स्क्रिम्स को अगर छोड़ दें तो इंडिया रीजन की किसी भी टीम ने पास्ट 6 मंथ से कोई भी मैच एशियन कंट्रीज के साथ नहीं खेला। सो हाउ वी कैन डिफाइन कि वो लोग बेकार हैं और हम लोग बढ़िया, या फिर वो लोग टॉप में होते तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो बढ़िया और हम लोग बेकार। गेम की सिचुएशन के हिसाब से कोई भी कैसा भी परफॉर्म कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए FFIC ग्रुप स्टेज में टीम इलीट ने 4 अननोन को टारगेट किया और काफ़ी बार वाइप आउट भी हुए, बट उसके बाद टीम इलीट ने चैंपियनशिप जीती और 4 अननोन टॉप 4 में भी नहीं आ पाई। सो एक मैच या एक रैंकिंग आपके पोटेंशियल को नहीं दिखाती, एंड जो रैंकिंग इंडियन वर्सेस इंडियन टीम्स के बीच की है उनसे हम डिसाइड नहीं कर सकते कि एक बड़े कॉन्टिनेंटल इवेंट में क्या होने वाला है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को ठंडे दिमाग से समझेंगे और इमीडिएट रिएक्शन से बचेंगे। चलो तो जाते आते लाइक और सब्सक्राइब करते जाना, मैं मिलूंगा आपको एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।